बट टॉस होता है एक तरफ है नीम का फरीदाबाद। ये मैच लाइव चल रहा है स्पोर्ट्स योगी पे यूट्यूब पे, जो घर बैठे हो घर बैठे भी देख सकते हैं। अनुज बागपत कमर्शियल एकेडमी बागपत और टॉस जीता है कमर्शियल एकेडमी और बागपत ने टॉस जीता और कोच चूज किया। पहली रेड भाई फरीदाबाद की तरफ से 10-2 का मुकाबला है। पहली गेंद फरीदाबाद की ओर से लगातार एक कॉर्नर को पूरा अंदर घुस के प्रयास कर रहे हैं। पहली एम्प्टी रेड फरीदाबाद की तरफ से और लेफ्ट साइड के रेड रहे हैं। फरीदाबाद के डिफेंडर ने करी गलती, एडवांस टैकल करना चाह रहे हैं। हाँ जी एक पॉइंट बाद पर फरीदाबाद की पहली रेड एम्प्टी रेड थी और ये लगातार क्लेम तो किया है और जी हाँ स्वीकारा कॉर्नर को अपना शिकार। हाँ वही है अब पहचाना मैंने। जी हाँ एक एक पॉइंट स्कोर बराबर दोनों का बॉलर्स का प्रयास जरूर किया है। सख्त ध्यान रखें तो वही उठे जाए। एक तरफ नीम का फरीदाबाद, फरीदाबाद की तरफ से टच का प्रयास किया है करना कामयाब और इस बार किक का प्रयास सेंटर में घुस के किक लगाई बिल्कुल दोनों साइड के कॉम्बैट मत की तरफ थोड़ा भगाते हुए डिफेंस को। भैया ये सामने कूलर पे ना रख के करंट भी आ सकता है कोई पता नहीं है, कूलर से दूर हो जाए थोड़ा दूर। एक और रनिंग हैंड टच थर्ड रेड थर्ड रेड डू डाई रेड डू डाई बागपत की डू डाई करो या मरो। लेफ्ट साइड के रेडर क्लेम किया है डिफेंडर ने उंगली दिखाई थी। हाँ से डिफेंडरों को भगा रखा है इधर उधर खलबली मचा दी है ग्राउंड में और एम्प्टी रेड इधर से भी अगली रेड फिर एक बार बागपत की तरफ से डिफेंस करेगी फरीदाबाद की टीम। छह का डिफेंस बोनस का मौका है क्या ट्राई करेंगे बोनस लेने तो गए थे पर कॉर्नर ने हाथ लगा दिया नाकामयाब एक पॉइंट बागपत के लिए। अगली रेड फरीदाबाद की तरफ से डिफेंस करेगी बागपत की टीम। छह का डिफेंस है बोनस का मौका है आगे रनिंग एंड टच का प्रयास था कॉर्नर पीछे हटे और लगातार एक जगह संभाल कर रहे हैं खाली हाथ जाना ही उचित समझा। पांच का डिफेंस इधर भी यहां पूरी मेहनत करनी पड़ेगी पांच के डिफेंस में रेडर को लंबे कद के रेडर है और जाने जाते हैं पांच के डिफेंस में पॉइंट निकालने के लिए अंदर उसके हाथ मारा है और जी हां कामयाब। थर्ड रेड डू और डाई करो या मरो और ये सामने से चेन बनाई है और ये कितने पॉइंट है रेफरी बताइए टीम अपना संयम बनाए रखे समय रोक दिया जाए। अरे अपना संयम बनाए रखो भाई खिलाड़ी पीछे हो जाए दोनों ही टीम को खिलाड़ी पीछे हो जाए मंत्र करना करते हुए भाई कितने पॉइंट है 3 पॉइंट फिर रेफरी जी कम लाइक फिर स्टार्ट होगा वो और ये शानदार डिफेंस उठा लेंगे तीन खिलाड़ी कोर्ट में सुपर टैकल ऑन। अगली रेड सुपर टैकल का मौका स्लाइड करा है और यार रेडर लगातार प्रयास नाकाम दो पॉइंट सुपर टैकल बागपत के लिए भाई 5 स्कोर है बागपत का फरीदाबाद 7 दो पॉइंट के लीड अभी भी फरीदाबाद के पक्ष में। और ये ढाई ओवर का प्रयास 1 सेकंड हाँ हाँ सारे पीछे का भाई भाई आप ना बताएं रेफरी अपने आप जानते हो क्या करना है आप ना बताएं। 2 पॉइंट की लीड में बागपत हाँ फरीदाबाद लीड में चल रही थी 2 पॉइंट बागपत नीम का फरीदाबाद और उसके हैंड टच का प्रयास था ये स्टेज पे से भाई टाइम से बोल गए नहीं वो मारते नहीं निश्चित एक पॉइंट और बागपत के लिए ऑल आउट मिलता हूँ और इसी के साथ ऑल आउट 3 पॉइंट और लगाओ बागपत के लिए फरीदाबाद
भाई एक समय 7-5 स्कोर था, 2 पॉइंट की लीड फरीदाबाद की साइड से, फरीदाबाद के पास थी, लेकिन अब स्कोर 13-7 है, 6 पॉइंट की लीड बागपत के पास। भाई कबड्डी है ये, कॉर्नर पर सफल करने लगातार, कभी भी गेम डिफेंस को खड़ा रहने देगा एक ही कॉर्नर पे। इस बार थोड़ा प्रयास किया भाग के दूसरे कॉर्नर की तरफ भी, फिर एक ही साइड जाके खड़े हो गए और एमपी रेड 16 डिफेंस, बोनस का मौका है अगर प्रयास करें रेडर को। और ये लेफ्ट साइड के रेडर क्या बोनस के लिए जाएंगे, एंकल होल्ड का प्रयास कॉर्नर से नाकामयाब, 1 पॉइंट और भागपत। और ये रेडर एक मात्र कामयाब रेडर फरीदाबाद की ओर से, पकड़े गए, पकड़ लिया गया इनको पकड़ने के लिए पूरी टीम अच्छी रेड पर। इस बार रेड पे भागपत के लंबे कट के रेडर 10 नंबर जर्सी में ज्यादातर लंबे लंबे रेडर आ रहे हैं, टच करके और चले गए। एक पॉइंट और फरीदाबाद की तरफ से, डिफेंस करेगी बागपत की टीम, बोला डिफेंस, बोनस का मौका है, क्या बोनस के लिए जाएंगे, टच लाइन से पीछे ही नहीं घुसने दे रही है बागपत की टीम इस रेडर को, क्या कुछ होगा, पकड़ लिया, बीच में फंसे, थोड़ा नजर हटी और दुर्घटना घटी, पकड़े गए। लगातार अपनी लीड बढ़ाती हुई, शुरू में थोड़ा पिछड़े पर बहुत अच्छी वापसी, 3 का डिफेंस सुपर टैकल क्या कर पाएंगे, डिफेंस पकड़ लिया है, सुपर टैकल, 2 पॉइंट, 3.5 मिनट शेष और फरीदाबाद के रेडर लेफ्ट साइड से रेड करते हुए रनिंग का प्रयास पर कोई फायदा नहीं, डिफेंस कितना नीचे आके खेल रहा है, मौका नहीं दे रहा रेडर को अंदर जाने का, बिल्कुल आक्रामक रूप अपनाए हुए डिफेंस। और ये प्रस्तुत किया कॉर्नर पे, और ये वाली यार बागपत के रेडर टाइम निकालते हुए उनसे भी अगली रेड में फिर आए फरीदाबाद के रेडर, लगातार रेड पे इनको भेजा जा रहा है क्योंकि इनके मेन रेडर अभी बाहर है, जिन्होंने खलबली मचाई हुई थी ग्राउंड पे पर अभी वो बाहर है, तो इसलिए इनके बदले इनको भेजा जा रहा है डिफेंस। ये क्या कामयाब होगी, खिलाड़ी पीछे हो जाए, क्या कामयाब हुए, कितने पॉइंट, 3 पॉइंट, बिल्कुल सुपर रेड। इस पहले हाफ में आखिरी 1 मिनट शेष और ये कितने पॉइंट्स है, चेन तोड़ के आ गया है। अगली रेड फरीदाबाद की तरफ से फिर से वही रेडर, 5 का डिफेंस, क्या कुछ कर पाएंगे, टाइम लगी है कॉर्नर से और डिफेंस ने एक अच्छा काम किया कि कोई हेल्प के लिए नहीं गया, अन्यथा और भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। जगह ये इनका रेड मेन रेडर बाहर है लगातार गेम से, अभी फिर वही लेफ्ट रेडर बोनस का एक हल्का सा टेस्ट लिया है कॉर्नर के नीचे, ये रेफरी बताएंगे, खिलाड़ी ना डिसाइड करे, रेफरी का काम है, खिलाड़ी से डिसाइड कराना होता तो रेफरी नहीं होते। 2 पॉइंट बहुत अच्छे, तो दो ही भाई फर्स्ट हाफ की कहानी की बात करें अभी तक बात, फर्स्ट हाफ की लास्ट रेड क्या पॉइंट के साथ खत्म करेगी फरीदाबाद की टीम इस लास्ट रेड को, बोनस का एक अटेम्प्ट लिया है रेफरी मुस्तैद, फरीदाबाद के फरिश्ते। और इसी के साथ फर्स्ट हाफ कंप्लीट, स्कोर फर्स्ट हाफ के बाद बागपत 21, नीम का फरीदाबाद 13, लीड में है बागपत की टीम अभी पूरा ही समय, 10 मिनट का ही खेल, 4 का डिफेंस बागपत की ओर से लंबे गद के रेडर 10 नंबर जर्सी में जाने जाते हैं पॉइंट निकालने के लिए, 4 और 5 के डिफेंस में, 4 और 5 के में रेडर के लिए बड़ा मुश्किल होता है पर उसी डिफेंस के स्पेशलिस्ट है ये, पर इस बार खाली रेडर ये भी लगातार अपनी साइड से रेड मार रहे हैं जब से इनके मेन रेडर बाहर गए हैं, लगातार रेड कर रहे हैं और पॉइंट्स ला रहे हैं और इस बार भी क्लेम किया है और पॉइंट मिलेगा, बोनस का कोई मौका नहीं,
रेडर को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर यहाँ पे पॉइंट निकालना है तो। लंबे कट के रेडर इधर से एक बार फिर लेफ्ट रेड किक का एक प्रयास किया हल्का सा। भाई अच्छा मुकाबला ये चलता हुआ पढ़त में जरूर है। दर्शकों की भीड़ खचाखच भरे हुए दर्शक और फरीदाबाद के आया लाइट टच करके वापस भेज फरीदाबाद की टीम का टाइम करो या मरो। अब देखते हैं क्या इस चीज का फायदा उठा पाएगी जी नहीं क्या यही करना था। और पहली बार आए साथियों तरीके से बोनस का प्रयास किया बोनस मिल जाएगा। अगली रेड बैट नंबर की जर्सी में ये रेडर क्या लाइन से पीछे गए हैं क्या लाइन से पीछे गए हैं कृपया खिलाड़ी चुप रहे खिलाड़ी चुप रहे बिल्कुल भाई डिफेंडर एक डिफेंडर सेल्फ आउट था और ये शानदार डिफेंस उनके मेन रेडर ने एक बार फिर बाहर किया ये पॉइंट बागपत के लिए। और अब दो का डिफेंस फरीदाबाद का बागपत के लंबे गति के रेडर एक बार फिर अब फरीदाबाद की टीम ने अपना रिव्यू भी गवा दिया है और अगला जो मैच होगा वो लखाव जाए अगली जो दोनों टीमें हैं वो 10 मिनट में तैयार रहे लखाव टीम और छछर कृपया खिलाड़ी शांत रहे बहस ना करे रेफरी है उस काम के लिए भाई बहस ना करे रेफरी है उस काम सरदार जी इतना क्यों गर्म हो रहे हो 2 पॉइंट डन और 1 टेक्निकल दो फरीदाबाद लगा दो और इसको बागपत 25 नीम का फरीदाबाद 17 ज्यादा अंतर नहीं है 25-17 जी समय अभी लगभग 7 मिनट बाद 7 मिनट के करीब गवा किए जी। 4 का डिफेंस पॉइंट निकालना मुश्किल रेडर को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्या उतनी रिस्क लेंगे जी नहीं मुश्किल और पीएससी के जवान भी यहाँ मौजूद हैं ऊपर से 4 का डिफेंस बड़ा ही मुश्किल होगा क्या डिफेंस संभाल पाएगा अपने आप को गलती करने से उसे पीछे से कॉर्नर की हेल्प आई और डिफेंस कामयाब। सरदार जी रेड पे 84 नंबर 7 मोहित स्कोर 25 नीम का फरीदाबाद 18 कुछ ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है खेल तो अभी लगभग 6 मिनट का बाकी है कुछ भी हो सकता है इस मैच में दर्शक अपनी कुर्सियों से ना हिले वरना रोमांच मिस कर दोगे लाखों की संख्या में भीड़ बैठने की जगह नहीं है। और अब आए हैं रेड पे बागपत के लंबे गल के रेडर लगातार रेड कर रहे हैं अपनी टीम के लिए कोशिश क्या पॉइंट लेने में कामयाब हुए हैं रेडर सेफ 1 पॉइंट डिफेंडर आउट करो या मरो की स्थिति है फरीदाबाद के लिए जर्सी नंबर 9 फुर्तीली रेडर बागपत ने तो कुछ कर नहीं पाई थी अपनी डू और डाई में कोई देश आया और बाहर कर दिए गए दोनों नीचे बैठे हुए 3 खिलाड़ी कोर्ट में सुपर टैकल ऑन ऋतिक एक्शन में अगली देर बागपत की तरफ से लंबे कद के रेडर टाइम निकालते हुए अगला मैच अगला लखाव टीम वर्सेस टाइम निकालते हुए मात बागपत के रेडर और अगली रेड एक बार फिर फरीदाबाद की ओर से 7 नंबर जर्सी में मोहित बड़े ही फुर्तीले रेडर है पूरी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ जरूर लेके जाए या तो पॉइंट या तो बोनस लगातार प्रयास करते हैं अपनी टीम के लिए एक कॉर्नर पे सफल कर रहे हैं मौका दे रहे डिफेंस को गलती करने की हुआ और अपनी ही गलती का खुद शिकार बने कहीं नहीं हो आपके एक मित्र यहाँ आपको ढूंढ रहे हैं स्टेज के पास इनसे मिलने क्लेम किया 1 पॉइंट के लिए डिफेंडर ने स्वीकारा रेड पे क्या ये ऑल आउट से बचा पाएंगे अपनी टीम को या कुछ पॉइंट लेके कुछ कमाल दिखा सकते हैं अपनी टीम के लिए रनिंग एंड टच का प्रयास लगातार अगले कॉर्नर पे
पर अभी तक कुछ सफलता हाथ नहीं लगी, लगातार प्रयास कर रहे हैं, कॉर्नर पे सफल कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि डिफेंस कुछ गलती करे, और डिफेंस आया पर गलती नहीं। आखिरी कुछ मिनटों का खेल बचा हुआ है। बिल्कुल भाई, ये मुकाबला भी धीरे धीरे पक्ष में जाता हुआ कमर्शियल एकेडमी बस बहुत ही शानदार मैच होने वाला है, खतरनाक मैच होगा अगला, बहुत खतरनाक है, दोनों ही लगता है फाइनल फाइनल स्थिति में ये दावेदारी रखनी है अपनी दोनों ही टीम है, जैसा कि दर्शकों का व्यू है। और अगली रेट फरीदाबाद की तरफ से और क्लेम तो किया है, क्या रेफरी मानेंगे? जी नहीं, रेफरी ने नहीं माना, नकारा। और बागपत के रेडर मात्र समय काट के जाएंगे, उनके पास अच्छी खासी लीड है, करीब 2 मिनट कुछ सेकंड बाकी। और ये मैच इसी के साथ समाप्त, और बागपत की टीम ने मुकाबला अपने नाम किया। एक बार जोरदार तालियां दोनों ही टीमों के लिए, बड़ा ही खतरनाक है मैच देखने को मिला दोनों ही टीमें। और अब लखावटी और जज्जर दोनों ही टीमों से मैं अनुरोध करूंगा जल्द